कोई जगह नहीं है, तीन लोक 14 भुवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा नहीं है। पाताल में से पिंडी पूज रही है, मृत्यु लोक में से पिंडी पूज रही है, और ऊपर के लोकों में भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन होता है। लक्ष्मी माता चांदी रजत के शिवलिंग पर पूजा करती है, माता पार्वती स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करती है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी वो हीरा के शिवलिंग के ऊपर पूजन करती है, और भगवान जो कुबेर हैं वो पार्द के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, यमराज हैं वो लोहे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान शंकर को न पूजे। लोग कहते हैं कि शंकर पर हल्दी नहीं चढ़ती, और हम ये कहते हैं कि मिट्टी में हल्दी मिला करके यदि आप पूजन करते हैं, भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हैं, तो आपके दुकान मकान को कोई उच्चाटन जादू टोना टोटका नहीं कर सकता, खुद मर जाएगा, इतना बड़ा प्रभाव है। हल्दी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका पूजन होता है, मक्खन के शिवलिंग बनाए जाते हैं, कल आप सुन रहे थे कनेर के फूल के, दुश्मन परास्त हो जाएगा, कनेर के फूल के शिवलिंग बनाए जाते हैं, यहां तक कि गौ माता के गोबर के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा होती है। बहुत बड़ा विज्ञान है भगवान महादेव की पूजा का, और सत्य यही है जो सर्वाभावीन भगवान शिव की शरण में आ जावे उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कथाएं सुनकर अपना इष्ट मत छोड़ना, अपने इष्ट मत बदलना, मेरी प्रार्थना है। मेरे मुंह से जिस कथा को सुनोगे वही बुलंदा ऊंची दिखेगी, नासिक में आपको लगेगा कि रामायण से ऊपर कुछ है ही नहीं। कथा सुनाऊं शिव महापुराण की और शिव महापुराण का ओरा ना जागे तो फिर मेरा यहां सुनाने से मतलब क्या है। जिस देवता को केंद्र में लेके बैठा हूं तो बुलंदा ऊपर वही होना चाहिए। हम किसी महात्मा के यहां जाएं और हमें माइक दे दिया जाए बोलने के लिए, किसी साधु के कार्यक्रम में हम उस साधु की महिमा सुनाएं जिसने माइक दिया है, तो ज्यादा बढ़िया है कि देश के और तमाम साधुओं का जिक्र करते रहें तो ज्यादा बढ़िया है। अरे जो आयोजन करा रहा है, जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें माइक दिया है, फर्ज तो ये है कि उस साधु का ही बखान करो तो ही ज्यादा बढ़िया है। यहां महाकाल ने बुलाया है, महाकाल की व्यासपीठ है, इसलिए इस व्यासपीठ से महादेव का ही गुणान वादन होगा, गुणगान शंकर का होगा, और शिव पुराण की व्यासपीठ पर बैठकर और हमारे ओरे में महादेव ना बैठे तो फिर उस शिव पुराण का मतलब क्या है उसका। फिर आप शिव पुराण सुन रहे हैं, शंकर को मानिए लेकिन अपने इष्ट को मत बदलिए, नहीं तो बहुत लोग जितनी कथाएं सुनते हैं उतने ही इष्ट बदल लेते हैं। भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उनका कृष्ण इष्ट हो जाता है, राम कथा सुनते हैं तो राम जी इष्ट हो जाते हैं, गणेश जी के दिन आते हैं उन दिनों में उनके गणेश जी इष्ट हो जाते हैं, सावन के महीने में उनके महादेव इष्ट हो जाते हैं, और हर मंगलवार को हनुमान उनका इष्ट हो जाते हैं। इष्ट बदला नहीं जाता, इष्ट तो ऐसे है जैसे एक पत्नी के लिए पति, पति के चरणों में उसकी श्रद्धा है, घर के सब लोगों का आदर करती है, सबका मान करती है, और जिस घर की गृहिणी घर में सबका आदर करती है तो उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर अति प्रसन्न होता है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जब हम सभी देवताओं का आदर करते हैं तो हमारा इष्ट हमारे ऊपर अति प्रसन्न होता है, उसको जलन नहीं, सबका आदर मान कीजिए। अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखिए, जिसके ऊपर इष्ट की कृपा होती है उसका कोई काम ही नहीं बिगड़ता। किसी भी देवता को हृदय से दिल दिमाग से बहुत मानिए, समझिए। आप कहते हैं कि किसको इष्ट के रूप में, हमारी तो श्रद्धा सबके प्रति है। आप एक लाख ईश्वर को परमात्मा को विविध प्रतिमाओं का पूज रहे हो, उन्हें एक आध लाख में तो भी एक आध देवता ऐसा होगा जो आपको ज्यादा दिमाग में आता है, स्मरण में ज्यादा आता है, ध्यान में ज्यादा आता है, और उससे आपकी ऑटोमेटिक कुछ प्रीति ज्यादा होती है।
और जिसके प्रति आपका ज्यादा खिंचाव है वही आपका इष्ट है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का एक इष्ट हो। जब इन्होंने एक संग जन्म नहीं लिया और मौत भी एक संग नहीं होगी तो ये जरूरी थोड़े ही है कि इष्ट दोनों के एक ही हो, गुरु दोनों के एक ही हो। बेटियों को दीक्षा नहीं दिलाई जाती यह कहकर के विवाह के बाद में फिर पति का कोई और गुरु का और गुरु होगा। तो माता पार्वती विवाह से पूर्व ही नारद से दीक्षा लेती है। एक प्रमाण नहीं है, अनेकानेक प्रमाण है इस बात के लिए। क्या कहा जाएगा कि पति को तो वो गुरु अच्छे लग रहे होंगे और पत्नी को ना लगे, तो फिर इसमें साधक अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर कभी जोर मत दीजिए। मेरी माताएं प्राय अपने पति को जोर देती रहती हैं, चलो दीक्षा के लिए, चलो दीक्षा के लिए, और उसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। वो जबरदस्ती से नहीं, नीचे लेनी पड़ेगी, ये हमारे गुरु है। अरे तुम्हारे ही तो गुरु है, उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप। यदि वाणी में दम है महात्मा के में तो एक दिन ऐसा होगा वो दौड़ता दौड़ता बिना खींचे तुम्हारे पास खिंचता ही चला आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं, वो आ जाएगा बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। और फिर ऐसा आएगा कि फिर जाएगा ही नहीं, और जबरदस्ती से लाओगे तो वो भाग सकता है, और अपनी श्रद्धा से आएगा तो वो टिक जाएगा। सुन रहे हैं आप? तो इष्ट के बारे में भी जोर मंदी, जो जिसको बढ़िया लगता है, भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ करके, नहीं तो बहुत लोग तो भूतों की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा। हमारे सनातन के देवता बड़े प्रमुख हैं, भगवान गणेश हैं, माँ भगवती है, राम हैं, कृष्ण हैं, भगवान महादेव है, महादेव पार्वती, कोई भेद कोई अंतर मन समझिए, राधा कृष्ण कोई अंतर मन समझिए, सीताराम कोई अंतर नहीं, राधेश्याम कोई अंतर नहीं। आपके शंकर इष्ट हैं, पार्वती को आपको मानना ही पड़ेगा। आपके कृष्ण इष्ट हैं, माँ राधा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे राधे जपो तब चले आएंगे बिहारी। जानकी माता को याद करोगे तो राम दौड़ते हुए आएंगे, परम्भा को याद करोगे तो महादेव अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में एक इष्ट तो स्वीकार करें। इस लाइन में आप खुल करके आए नहीं हैं, जिस समय आप इस लाइन में बैठ जाएंगे पंक्ति में और इसमें जीवन जीना शुरू कर देंगे, आप ईश्वर के बिना नहीं रह पाएंगे। कौन कहता है कि भगवान की तरफ आने से संसार के काम छूट जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार के काम के समय पर आप दुनिया के काम, संसार के काम कीजिए। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटा होता है, 24 घंटे को 6-6 घंटों में बांट दो, 6 घंटा नींद लें, 6 घंटा परिवार और समाज को दें, 6 घंटा भगवान को दें और 6 घंटा व्यापार को दें, बढ़िया जीवन जी लोगे। एक बार फिर बताऊं, 24 में 6-6 घंटे के हिसाब से 4 चरण बन जाएंगे। 6 घंटा नींद सोने के लिए, यदि आप 6 घंटा नहीं सो रहे हैं तो अपने जीवन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं आप। 6 घंटा सोना है, हमारे शास्त्रों में सोने का समय 10 बजे से 4 बजे तक का बताया है। जीवन में बीमार नहीं होंगे, एक रुपया दवाई पर नहीं लगेगा। अपने अपने घर वालों को और बच्चों को बता देना जो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं, वो भारत की धरती पर उनको रहने का अधिकार नहीं है जो 6 घंटा कमाता नहीं है। मैंने इन माताओं को बहुत बार कहा है कि 10 बजे इनको धक्का दे के घर से बाहर करो, का जाओ कमाने को। नीचे दुकान ऊपर मकान जब होता है, ग्राहक वहां खड़ा रहता है और ये पत्नी के सामने चाय का कप लेके बंदा बैठा रहता, वो कहती है जाओ नीचे दुकान पर, भीड़ लगे, वो नहीं जाता। इसलिए नीचे दुकान और ऊपर मकान, ये बड़ी सिरदर्दी है। इनको कहो 6 घंटा कमाएं, फालतू का बैठ करके ना खाएं। 6 घंटा मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये समझ लो कि 6 घंटे का काम आपके लिए मंदिर है, तो 6 घंटा सोना,
छह घंटा आप नींद को दीजिए, छह घंटा परिवार को दीजिए। छह घंटे में माता पिता के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, मित्रों के पास बैठिए, और समाज के जो भी कोई काम है, कहीं आना है जाना है, ये सब छह घंटे में आ जाता है। तो छह घंटा नींद, छह घंटा परिवार के लिए और छह घंटा अर्थ प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, और छह घंटा भगवान के लिए। तीर्थ यात्रा वगैरह पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो छह ही घंटे में आ जाएगा। छह घंटा भगवान के लिए पूरे साल का। आप कभी चार धाम के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो सब छह घंटे में आ जाएगा। छह घंटे में भगवान की पूजा कथा, ये सब छह घंटे में आ जाता है। भगवान की पूजा है, आराधना साधना है, आप भगवान के लिए कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब छह घंटे में आ जाता है। ये तो एक ऐसा इंडेक्स बन जाए जीवन का कि अपने 24 घंटे को आप चार भागों में बांट दें। छह घंटे में नींद पूरी करें, छह घंटा परिवार को दें, बाजार का सामान सुमून खरीदना, ये सब आ जाता है छह घंटे में। छह घंटा व्यापार को दें, ऑफिस को दें, और छह घंटा भगवान को दें। परमात्मा आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग कर रहा है, बस छह ही घंटा। और इसके अलावा अब काय के लिए टाइम चाहिए मुझे बताओ, फिर मैं और बताता हूँ और किस चीज के लिए टाइम चाहिए आपको। चार के अलावा अब और क्या ऐसी जरूरत है जिसके लिए आपको टाइम की जरूरत है बताओ मुझे, फिर मैं उसका समाधान करूं। चार के अलावा कोई पांचवा काम ही का है। और आप अपनी लाइफ का एक इंडेक्स बना देते हैं। हजारों की संख्या में आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों के पास तक पहुंचे। और वो इससे कुछ प्राप्त कर पाए। जिनको कभी छह घंटे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है, जिन्हें आठ घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, दस घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, उन लोगों के लिए चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा वह इधर उधर से निकाल करके थोड़ा पूजा में से टाइम बचा लें और थोड़ा सा परिवार में से टाइम बचा लें तो उसका वो टाइम पूरा हो जाएगा। ये 24 घंटे को एक इंडेक्स उसका बनाइए। इस तरीके से यदि जीवन जिया जावे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मैं तो ऐसा ही करता हूं, इसलिए तो ज्यादातर से मुझे छह घंटा कथा कहने की आदत है। मुझे छह घंटा भगवान को, मेरा तो ज्यादा टाइम भगवत कार्यों में ही लगता है। आदमी को अपने निज जीवन के लिए छह घंटा बताया तो हमारे पास तो अपने लिए तो है नहीं टाइम। बड़े मस्त हैं, आनंद हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, एक जीवन जीने का एक ढंग मिला है। नमः सहस्रलिंगाय वेहनिलिंगाय वै नमः, नमः पुराण लिंगाय श्रुतिलिंगाय वै नमः। ये पुराण ग्रंथ वेद शाब लिंग रूप है, यह सब भगवान शिव में समाहित है, इसलिए परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन हमें और आपको यह मिला है तो कृपया यह मानवीय जीवन हमारा और आपका अच्छी तरह से निकल जावे तो ही जीवन जीने का एक बढ़िया सा मौका, जिसमें कहा जा सकता है कि हमने अच्छा जीवन जी लिया, ऐसा जीवन जी। संसार तो धोखा देने वाला है। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। यहां सब धोखा दे रहे हैं, पत्नी पति को, पति पत्नी को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, सब यहां धोखेबाज इकट्ठे हुए। यहां धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए जाग मुसाफिर भोर भाई, अब जाग जाओ, भरोसा मत करना इस दुनियादारी का। आइए दो तीन पंक्तियां। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। आइए दो तीन पंक्तियां।
बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, कुसुम चौहान की पंक्तियां हैं। बहन आइए, अच्छा लगेगा। सब उम्र बीती गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। प्रभु ने सुख धन धान दिया, जिस प्रभु ने सुख धन धान दिया, नहीं प्रेम सी उसका नाम लिया, नहीं प्रेम सी उसका नाम लिया। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई परिणाम न जाने क्या होगा। पाप का बोया है भगवान न जाने क्या होगा। ये बीज पाप का बोया है भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। गवा दिया सब झूठ खपट छल काम किया, सब झूठ छपट छल काम किया। नहीं संत जनों से प्रेम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। नहीं अच्छा कोई काम किया, तन
से जीवन भर पाप किया, तन से जीवन भर पाप किया, मन से प्रभु का नहीं नाम लिया, भगवान न जाने क्या होगा, मन से प्रभु का नहीं नाम लिया, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, भगवान न जाने क्या होगा, भगवान न जाने होगा, सब समय बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा, महादेव समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, जिस प्रभु ने सुख धन दान दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया, जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। ये बात सिर्फ ताली बजा के ही मन निकाल देना, इसके ऊपर बड़ा विचार करना है, पूरा जीवन आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, थोड़ी सी श्वासें रह गई हैं। भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की डूबते हुए हाथी की कथा सुनाई जाती है, और वह बहुत बड़ा संकेत देती है कि जिसको तुम अपना मान रहे हो ये दुनिया बिल्कुल झूठी है, एकदम स्वार्थ से भरी पड़ी है, या कोई किसी का बिल्कुल भी नहीं है, लोग मरघट तक रोते रह जाएंगे, यात्रा अकेली होगी, यहाँ के कर्तव्यों को पूरा किया है, अब अपने उस लोक के लिए भी कुछ सुध ले लीजिएगा। इतनी प्यारी पंक्तियां, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। व्यक्ति की मृत्यु होती है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी वेदना होती है। इसलिए आप सब लोगों को मेरी व्यासपीठ का संदेश है, हरि भजन, एक वो भजन है, पंक्तियां हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या,
यदि जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो जिंदगी फिर जी करके करेंगे क्या। मैं तो भगवान को कहता हूं कि अंतिम श्वास तक अपनी सेवा देना, और जब सेवा के लायक ना हो तो फिर हमें यहां से हटा लेना, फिर रहने की जरूरत ही क्या है। सरकारी दफ्तर में आप तब तक ही रहते हैं जब तक आप करने के लायक है, और जब आप वहां करने के लायक नहीं हो पाते हैं फिर रिटायरमेंट हो जाते हैं। यदि हम कुछ अच्छा ना कर सके, जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किसी मतलब का नहीं है, इसलिए इस महापुराण के माध्यम से सबको आग्रह पूर्वक निवेदन, अच्छा जीवन जीने की कोशिश ही नहीं, जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अच्छा सा मंदिर आपने बनाया है, गणेश गोपाल को बिठाया है उसमें, पार्वती महादेव भी बैठे हैं उसमें, हनुमान राम भी बैठे हैं, हमारे और आपके दिन का आरंभ भगवत सत्ता से हो। आपके पास जो है, हमारे पास जो है, वो सब भगवान का है, और हमें उसको ईश्वर का ही मानना चाहिए। हमें उतना ही लेने का अधिकार है जितनी बैंक में गड्डियां आती हैं, मैनेजर उन्हें सुरक्षित करता है, रखता है, अपना काम अपनी तनख्वाह से चलाता है, बैग भर के ले आएगा तो हथकड़ी डल जाएगी, तो यही स्थिति है। परमात्मा की विशेषता देखिए, उसने कहीं ताला नहीं डाला, बिल्कुल सब उसका खुला है। किसी माई के लाल में दम हो तो मरते समय यहां से एक कीला उठा के तो देख ले, उसका विधान देखो, साफ खुला पड़ा है, स्वतंत्र, बिल्कुल खुला है, कहीं उसने ताले नहीं डाले। उसका ऐसा विधान है कि यहां से कुछ नहीं ले जा पाएंगे।